सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सुरू वैली। कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख की सुरू वैली एक ऐसी जगह है जिसकी पेंटिंग आप अपने दिमाग से भुलाए नहीं भूल सकते। ये जगह मेमोरीज बनाने लायक है और ले जाने से पहले हम अपना वक्त यहाँ ज़रूर गुजारना चाहते हैं। अभी हम एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड सी जगह जा रहे हैं, करसेखर विलेज, जो कि सुरू वैली में है। सुरू वैली इज़ वन ऑफ द प्लेसेस इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू कम हियर यू हैव टू कम टू करसेखर विलेज। सो कारगिल से करसेखर विलेज इज़ समवेयर अराउंड 45 किलोमीटर्स विच वुड टेक यू समवेयर अराउंड 1 hour 17 minutes टू रीच। तो दिस इज़ सुरू रिवर। ये रिवर बेसिकली आपको अक्रॉस कारगिल से सुरू वैली, फिर आपको करसेखर विलेज भी आप जाओ, आपको अक्रॉस द लेन मिलने वाला है। इट्स अ ब्यूटीफुल रिवर। तो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स अ मॉडल विलेज। तो दिस इज अ मॉडल विलेज नियर कारगिल, एंड ये कारगिल से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स दूरी पे है। Whenever you come to Kargil to visit here, yaar. सो आज सुबह हम लोग निकले द्रास से, तो कल रात हमने स्टे किया द्रास में, विच इज़ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन इंडिया, और आज हम लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स कारगिल। तो हम लोग कारगिल समवेयर अराउंड 1 o'clock तक पहुंच गए हैं, एंड हमने होटल में भी स्टे कर लिया, मतलब वी हैड अ बुकिंग इन सिटी पैलेस। तो उसका नंबर मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इन केस यू आर विजिटिंग टू कारगिल यू कैन स्टे देयर। तो अभी मैंने डीजल फुल करवा लिया है बिफ़ोर कारगिल, जस्ट बिफ़ोर रीचिंग कारगिल, और इससे पहले मैंने करवाया था श्रीनगर। तो यार डीजल तो अपना फुल है, तो अभी चलते हैं टूवर्ड्स करसेखर विलेज। तो यार जैसे कि हम कारगिल में बाय 1 पहुंच गए थे, 1:30 तक सब कुछ होटल में चेक इन सब कुछ हो गया था, एंड 1:30-1:35 तक हम लोग निकल भी गए थे। बट हमने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि हम कारगिल में हमने लंच नहीं किया, एंड राइट नाउ हम लोग वी आर सर्चिंग कि ये हाईवे में कुछ मिल जाए, बट यार कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो इट्स हाईली एडवाइज्ड कि इफ़ एट ऑल यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम कारगिल एंड गोइंग टूवर्ड्स सुरू वैली, तो यार आप कारगिल में ही लंच कर लो, वरना आपको शायद ही कहीं रोड पे मिलेगा। हम लोग को कुछ तो रेस्टोरेंट्स मिले जो कि बंद है, और कहीं ना कहीं अनअवेलेबल भी था एक दो जगह पे, बिकॉज 2 o'clock तक आई डोंट नो, कुछ बहुत सारी जगह पे नहीं मिला हम लोग को खाना। तो यार अब पेट पूजा तो करना ही था, तो हमने कुछ लोकल से इंक्वायरी किया, और ये पता चला कि कुछ देर बाद देयर इज़ अ प्लेस, एक आर्मी कैंटीन है, एक कैफ़े है जो कि आर्मी रन करती है, तो वी आर हेडिंग टू दैट प्लेस। सो वी फाइनली फाउंड द कैफ़े, बट दिक्कत यह है कि आज यार वेंसडे है, और वेंसडे ये कैफ़े बंद रहती है। तो जंस्कार कैफ़े के बाद समवेयर अराउंड और 5-10 किलोमीटर्स हो गया है, बट अभी तक हमें कहीं भी नहीं मिला है द प्लेस फॉर लंच। तो अगेन आई फाइनली एडवाइस कि आप लोग यार कारगिल में ही कर लो, ये गलती मत करना। बट दिक्कत तो कोई है नहीं, कॉज वी कहीं ना कहीं तो यार अरेंज कर ही लेंगे, और कहीं ना तो करसेखर विलेज तो हम जा ही रहे हैं, एंड वहाँ तो हम लोग को मिल ही जाना है कुछ ना कुछ। गूगल मैप में थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन है यार, कॉज करसेखर जो विलेज है वो मेन हाईवे से आपको एक लेफ़्ट टर्न लेनी पड़ती है, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। तो इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप लोग लोकल्स किसी से भी हेल्प ले सकते हो, पीपल आर वेरी रियली वेरी हेल्पफुल एंड वेरी गुड ओवर हियर। तो आप किसी से भी पूछ लो, दे आराम से दे हेल्प यू।
मैत्रेय बुद्ध स्टैचू एंड टॉम मॉफ्रिगल बीबी का चक्कर, यहाँ से लेफ्ट है ना? राइट This is the place where you need to stop. हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे, but this is the place where you can park your car. So ये है काचेखर विलेज, देख सकते हो. There's a stream going on from here. This is the village. यहाँ के घर बहुत ही different है, बहुत ही खूबसूरत है. Of course, जो area का जैसे need है वैसे type built हुआ है, तो that's the best part. So this is the way towards the Buddha statue, and there's a stream of water actually going on nearby. So we are passing that. इस विलेज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो ये विलेज की एक क्लिफ में एक कैसल हुआ करता था, एंड घर का मतलब कैसल होता है, तो कारसेखर, दैट्स हाउ द विलेज इज नेम्ड एज. So this statue is the most important aspect of this village. So this is a rock carved statue of Maitreya Buddha, which is 7 meters tall and it was built in 7th century. Maitreya Buddha, which is known as future Buddha's avatar. Kargil mein aise 3 rock carved statues hain. To pehla hai Kashyakhar ka Maitreya Buddha aur dusra hai near Malbek Monastery. और तीसरा है नियर अपाती विलेज, विच इज़ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम कारगिल. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल फैक्ट अबाउट द 3 मैत्रेय बुद्ध स्टैचूज इन कारगिल. इफ़ यू प्लॉट देम ऑन ए मैप, दे विल फॉर्म ए इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये देख के तो यार मैं भी शॉक हो गया था. अनदर शॉकिंग इन्फॉर्मेशन इज दीज 3 बुद्ध स्टैचूज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. तो स्टोरी कुछ यूँ है कि पहले मंगोलियन अटैक बहुत हुआ करते थे. जब ये 3 बुद्ध स्टैचूज बने, यहाँ काफ़ी हद तक पीस मेंटेन था. कारगिल वॉज एन वेरी इंपॉर्टेंट नोड इन द एंशंट सिल्क रूट दैट कनेक्टेड द ईस्ट विद द वेस्ट बिटवीन द 2nd सेंचुरी एंड द 18th सेंचुरी. द विलेज ऑफ हुंदरमन वॉज द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सिल्क रूट टू द टाउन ऑफ कारगिल. द सिल्क रूट वॉज नॉट ओनली एनेबल्ड that flow of material wealth but also fuel the flow of ideas and culture. तो 16th century में यहाँ पे एक ruler थे जिनका नाम था जामयांग नामग्याल, जिन्होंने ये castle बनाया था और जिनके वजह से ये पूरा गांव को जाना जाता है. In fact, he fell in love with the Balti princess Gyal Khatun and their son Singe Namgyal went to become the king of Ladakh. आई थिंक सुरू वैली का सबसे बड़ा चार्म है ये, दैट इज सराउंडेड बाई सो मच हिस्ट्री. अरे अंजलि, उसकी बहन का नाम भी अंजलि है, छोटी बहन का नाम अंजलि है. सो नाउ गोइंग ऑन बैक टूवर्ड्स कारगिल. तो यार आज का डे वॉज रियली जस्ट अमेजिंग. और अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि कारगिल वापस चलते हैं. गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, तो इसे बहुत जल्दी धुलवाते हैं. तो चलो लेट्स हेड ऑन टूवर्ड्स कारगिल. सो वापस कारगिल चलते ही अपन गाड़ी धुलवाते हैं, एंड उसके बाद अपन एक्सप्लोर करते हैं कारगिल का ब्यूटीफुल मार्केट. नाउ द टाइम इज 6:23 और 23 किलोमीटर्स लेफ्ट. विल अराइव बाय 7:01 एंड विल ट्राई टू वॉश द कार इन बिटवीन. दो तीन कार वॉश थे, अगर हो सके तो यार करवा लेते हैं. गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, स्पेशली जोजिला पास में इतना सारा कीचड़ स्लश था, और वहाँ अभी जितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे सब अभी मेल्ट हो रहे हैं. दैट्स द रीज़न बहुत सारा डर्ट हो गया है. तो विल वॉश द कार. आगे भी है जंगल में मतलब. तो फाइनली हम लोग को कार वॉश का एक सेंटर मिल गया, तो वो भी यार बहुत ही बड़ा स्पेशल लोकेशन है. और ये रही अपनी गाड़ी, और ये देखो ये सुरु रिवर है.
तो सुरू रिवर के बाजू में गाड़ी धुल रही है, इससे अच्छा और क्या बात हो सकता है। गाड़ी नीचे उतार देंगे, वहीं धोएंगे फ्री में। ये अपना सुरू रिवर है और यहाँ गाड़ी धुल रही है। अब गाड़ी धुलने के बाद यह जबरदस्त दिखती है। ओनली थिंग इज इतना कीचड़ में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो राइट नाउ वी आर इन कारगिल मार्केट। तो यहाँ पे एक बहुत मस्त तिब्बतन मार्केट है, हम लोग वहाँ पे चल रहे हैं। पकड़ भी लो। तो यहाँ पे तिब्बतन मार्केट है, बहुत सारे एक्चुअली ऑप्शंस हैं, बट मोस्टली अभी थोड़ा रात हो रहा है तो शॉप बंद है।